अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे सब कुछ सेहतों से नवाजे, हर घर के परेशानियों को दूर करे, हर बच्चे को नेक तौफीक नेक हिदायत दे, जो बीमार है उनको शिफा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो कर चुके हैं उनका शुक्रिया बहुत बहुत। आज हम डायमंड्स कुकिंग में पूरन पूरी की रेसिपी लेके आए हैं। गुड़ की पूरन पूरी है ये, विंटर स्पेशल लेके आए हैं। विंटर स्पेशल पूरन पूरी, गुड़ की पूरन पूरी रेसिपी लेके हैं। उसके लिए मैं 1 किलो गुड़ ले ली और आधा किलो चने की दाल है, मैं बॉईल करके इसको ग्राइंड करके पीस के रख ली मैं चने की दाल को। देखिए खाली कुछ भी नहीं डाली मैं, खाली ग्राइंड करके रख ली थी मैं इसको। गुड़ है ये और 1 टीस्पून नमक है, 1 कप मैदा है, 1/2 कप गेहूँ का आटा है, पानी है। अपन पहले अपन पूरियों का आटा भिगा लेंगे अपन, उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको पूरन बताऊंगी मैं। उसके लिए एक बॉल ले ली मैं, 1 कप मैदा ऐड कर देंगे, मैं छान के रख ली थी, आप छाने बगैर मत यूज़ करिए। गेहूँ का आटा है ये 1/2 कप, नमक है 1/2 टीस्पून, मिलाएंगे भिगा लेंगे अपन आटे को अच्छी तरह से, पहले मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, मैं विदाउट कलर बना रही हूँ। मैं आटा गूंद लेंगे अपन, आटा जैसा भिगाते अपन आटा वैसा आटा भिगाएंगे। चलिए देख सकते हैं आटा अच्छी तरह से भिग चुका है अपना, इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे अपन। आटे को अच्छी तरह से मसल लेंगे, आप चाहे तो पूरे मैदे के भी बना सकते हैं या पूरा गेहूँ का आटा का भी बना सकते हैं, मगर गेहूँ का आटा और मैदे में बहुत टेस्टी बनते हैं अपने पूरन पूरी। आप शक्कर भी यूज कर सकते हैं, मैं विंटर स्पेशल है ये, विंटर है ये बोल के मैं गुड़ यूज कर रही हूँ, गुड़ बहुत अच्छा रहता है विंटर के सीजन में। चलिए अब मैं दाल बना लूंगी ये पूरन। चलिए अपन गुड़ का शीरा बना लेंगे, पूरा गुड़ ऐड कर दे रही मैं इसमें, 1/2 ग्लास पानी ऐड कर दे रही मैं शीरे के लिए। अच्छा पूरा गुड़ पूरा पिघले तक अपन इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए गुड़ अच्छी तरह से पक रहा, अपन इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। पूरा गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाना, चलिए देख सकते हैं शीरा अपने अच्छी तरह से हो चुका है। देखिए ऐसे ही चाहिए, पूरा गुड़ भी अच्छा पिघल गया, शीरा भी गाढ़ा हो गया अच्छा। अब इसको साइड में रख लेंगे अपन। चलिए फ्राई पैन रख ली मैं, घी ऐड कर देंगे अपन इसमें। मैं डालडा की यूज कर रही हूँ, आप कौन सा भी घी यूज कर सकते हैं। तकरीबन 2 टीस्पून के उतना है ये घी, घी को पिघला देंगे। चलिए अपनी दाल डाल देंगे, दाल गला के रख लिया था अपन पहले से, दाल को डाल देंगे। घी को इसमें पहले भून लेंगे अपन, घी में दाल को अपन भून लेंगे, पिसी हुई दाल को। पूरन के लिए ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता अपने को दाल को, बहुत ईजी जल्दी झटपट बन के रेडी होता पूरन। घी में अपन भून ले रहे पहले दाल को, 5 से 10 मिनट्स तक भून लेंगे ऐसी। चलिए 5 से 10 मिनट्स हो चुके हैं, देख सकते हैं पूरा अच्छा घी पूरा चूस लिया,
अब इसमें अपन ये गुड़, अपन सिरप बना के रखे थे गुड़ का, वो ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो बहुत भी डाल सकते हैं आप, कम यूज़ कर सकते हैं तो कम यूज़ करिए आप। चलिए देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह से पक चुका है, मिक्स हो गया दाल और गुड़, ज़रा टाइट हो जाता है ये, ज़रा हिलाने मुश्किल होती, मगर घट रहना ये, ज़रा भी ढीला नहीं रहना, पतला नहीं रहना, क्योंकि अपने पूरियाँ नहीं बनते ना। तो इसमें थोड़ा सा का मैं कलर ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून के उतना येलो कलर है ये, इलायची पाउडर अपन शीरे में ऐड कर दिए थे। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से घट हो रहा, देखिए। चलिए प्लेट में निकाल लूंगी मैं इसको ठंडे के लिए, ठंडा हुए बाद बताऊंगी फिर मैं आपको। देखिए कितना अच्छा घट हो गया ये, ठंडा होके अभी घट हो जाता है इन्हें, इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। जब अपना आटा भी अपना बन के रेडी हो गया, अब इसके पेड़े बना लेंगे अपन, फिर बेल के बताऊंगी मैं आपको। आप अपने हिसाब से लीजिए, चलिए देख सकते हैं अपना पूरन भी अच्छा ठंडा हो चुका है, बन के रेडी हो गया पूरन भी। अब पेड़े भी मैं बना के रख ली, मैं आपको रोटी बेले जैसा भी बेल के बताऊंगी, और उस पर क्या बोलते पेपर पे भी बना के बताऊंगी आपको पूरन की रोटी कैसा बनाना। पहले अपन इस पर बना लेंगे, ये पन्नी है मेरे पास, पहले पन्नी पे बना लेंगे अपन। अच्छी साफ पन्नी ले लीजिए, बहुत ईजी बनते हैं इस पर पूरन की रोटियों। ये पेड़ा है अपना, ये तेल लगा लेंगे अपन पन्नी को अच्छी तरह से। अब इसमें अपन पूरन डाल देंगे, पेड़ा बना लेंगे। पूरन डाल दी मैं इसमें, अब इसको अपन ऐसा फोल्ड कर लेंगे गोल। अच्छा देखिए कितना अच्छी तरह से फोल्ड हो गया, अब इसको ऐसा कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, राउंड 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 आहिस्ता आहिस्ता फैलेंगे इसको। आसानी से बनती, बहुत बहुत इजी फैलती है, चिपकती भी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता खाली राउंड 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 करेंगे अपन इसको। आपको साइज जितना चाहे उतना रखिए आप साइज। थोड़ा अपन बेलन से बेल लेंगे रोटी को, अच्छी पतली बेलेंगे, जितना अच्छा पतली बेले जाएंगी उतनी अच्छी बन के रेडी होगी अपनी पूरन की रोटी। मोटी नहीं रहना ये पूरन की रोटी, पूरा आटे का टेस्ट आता है। तो बहुत इजी है, देखिए आप कितना अच्छा बेले जा रही रोटी। चलिए अब तवा गरम कर लेंगे अपन, तवा रख लेंगे। देखिए
मेरी रोटी बन के रेडी है। देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी रोटी और आसानी से निकल भी जाती। देखिए अब इसको तवा रख लेंगे अपन। चलिए देख सकते हैं तवा रख ली मैं, तवा गर्म हो चुका है। अब ये रोटी को आइस तेगी से निकाल लेंगे अपन। देख सकते हैं कितना अच्छा निकाल के रोटी, माशाल्लाह। देखिए ऐसी चाहिए अपने को, देखिए। चलिए देख सकते हैं, आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, मगर घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता रोटी का। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं घी डाल रही हूँ, घी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। आप विदाउट घी ऑयल भी ऐड यूज कर सकते हैं। इस तरीके से पलटा लेंगे इसको। देखिए कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है रोटी अपनी। अच्छा सेक लेंगे इसको। देख सकते हैं रोटी अपनी बन के रेडी है पूरन की। गुड़ विंटर विंटर में बच्चों को बहुत ताकत की चीज़ है, ये ज़रूर खिलाइए आप बच्चों को। चलिए अब मैं नेक्स्ट आपको खाली रोटी बेल के बताऊंगी मैं नेक्स्ट। चलिए मैं रोटी बेले जैसा बेलती हूँ, ये मैदा है, मैदे में पेड़े को अपन लगा लेंगे। अपना पूरन डाल देंगे अपन इसमें। अच्छा फोल्ड कर लेंगे। बेलेंगे अच्छी तरह से। अपन रोटी जैसा बेलते हैं, आप शक्कर की रोटी हुए जैसा बेलते हैं, आप वैसे ही बेलना इसको भी। इस तरीके से बेलना बहुत। खुश्की ऐड करेंगे इसमें, नीचे चिपके नहीं वैसा। आप कमेंट करके बोलिए आपको कौन सी रोटी अच्छी दिखी, आपको हाथ से बेले से रोटी अच्छी दिखी या बेलन से बेले से रोटी अच्छी दिखी। प्लीज कमेंट करके भी बोल सकते हैं आप पूरन की रोटी मेरी कैसी दिखी, कौन सी आपको पसंद आई। देखिए चलिए पतली बेली, देखिए मैं रोटी आप। चलिए आप उसको भी सेक लेंगे, गैस ऑन कर लेंगे। चलिए तवे पे डाल देंगे रोटी भी। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से बेले गई है रोटी। चलिए इसको आप इसको तेल से, मैं तेल से सेक के बताऊंगी एक रोटी को। एक रोटी को घी से सेकी मैं, एक रोटी को तेल से सेकी। चलिए इसको पलटा लेंगे अपन। चलिए तेल डाल देंगे अपन इसमें। माशाल्लाह अच्छा सेकेंगे इसको। पीछे भी लगा लेंगे तेल। पलटा लेंगे अब इसको। माशाल्लाह अच्छा सेक लेंगे इसको।
चलिए अपनी रोटी बन के रेडी है, अब सर्व करके बताऊंगी मैं। चलिए देख सकते हैं अपने पूरन की रोटी बन के रेडी है। मैं एक तोड़ के बताऊंगी आपको कितने नरम बने, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए पूरा अंदर तक पूरन है पूरा माशाल्लाह। खा के बताऊंगी मैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई अपनी पूरन की रोटी। प्लीज़ अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जब तक के अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी लेके आऊँ मैं। दुआओं में याद रखिए। शब्बा खैर।